नमस्कार सभी EPS 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में EPS 95 पेंशन धारकों के हक में एक बार फिर से केरला हाईकोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है वो 14 जुलाई 2020 को यहां पर दिया गया है। तो जो दोस्तों ये जो सारे पेटेशनर्स है तो वो HMT मशीन टूल के कर्मचारी है, तो उन्होंने EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो बेनिफिट है तो उसे मिलने के लिए जो है वो केरला हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो केरला हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका के ऊपर 14 जुलाई 2020 को अपना फैसला दिया गया। तो यह दोस्तों यहाँ पर ये जो 50 पेटिशनर्स है तो उनके हक में यहाँ पर ये जो फैसला है वो केरला हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो बेनिफिट एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर मिलते हैं तो वो उनको मिले। तो यह दोस्तों इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो इन पेंशन धारकों के हक में दिया गया है तो उसकी जो कॉपी है तो वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो वो इस फैसले की जो कॉपी है तो उसे जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों इसके लिए मैं हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये जो पेटिशनर्स है तो उनके द्वारा यहाँ पर EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो बेनिफिट की डिमांड की गई थी तो उसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कोर्ट द्वारा अपना फैसला क्या दिया गया है तो उसे भी जो है वो अभी हम स्टूडियो में पूरी तरह से जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये जो केरला हाईकोर्ट से एक और अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों के हक में निकल कर आया है तो उसी के बारे में अभी हम स्टूडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये एक और अपडेट केरला हाईकोर्ट से निकल कर आया है, जिसमें HMT मशीन टूल के लगभग 50 पेटिशनर ऐसे थे जिन्होंने केरला हाईकोर्ट में अपनी याचिका जो है वो EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो है वो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर बेनिफिट मिलने के लिए दायर की थी। तो इसके ऊपर 14 जुलाई 2020 को यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा अपना फैसला जो है वो सुनाया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन द हाईकोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम प्रेजेंट द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AM बजाज ट्यूजडे द 14th ऑफ डे जुलाई 2020 राइट पिटिशन नंबर 20551 ऑफ 2015। तो जय दोस्तों यहाँ पर ये जो राइट पिटिशन है जिसका नंबर है 20551 ऑफ 2015, तो इसके ऊपर केरला हाईकोर्ट द्वारा 14 जुलाई 2020 को जो है फैसला दिया गया है। तो जैसा की आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पिटिशनर्स है तो उनके बारे में जानकारी दी हुई है। ये सभी पिटिशनर जो है वो HMT मशीन टूल के कर्मचारी थे। तो यह दोस्तों यहाँ पर इनके संदर्भ में उनकी पूरी डिटेल दी हुई है, तो इससे जो है आप ये जो ऑर्डर की कॉपी है तो उसे डाउनलोड करके जान सकते हैं। तो जी दोस्तों इस राइट पिटिशन में लगभग 50 पिटिशनर जो है वो, तो चलिए अभी जो रिस्पोंडेंट है तो वो कौन कौन से है तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर रिस्पोंडेंट है द यूनियन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, भविष्य निधि भवन, पैटम पैलेस तिरुवनंतपुरम, द सब रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, भविष्य निधि भवन, PO बॉक्स नंबर 1806 कोझिकोडे 673006। उसके बाद अगले पिटिशनर है द HMT मशीन टूल लिमिटेड रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल मैनेजर HMT कॉलोनी, द चेयरमैन प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर HMT टूल्स लिमिटेड HMT कॉलोनी PO कलावसरी पिन 683503। तो जी दोस्तों यहाँ पर इस राइट पिटिशन के अंदर 5 जो है वो रिस्पोंडेंट यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, तो इसके बारे में भी आप इस कॉपी में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो जी दोस्तों इस राइट पिटिशन के संदर्भ में जो फैसला यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया है तो उसमें कहा गया है The right petition civil having been finally heard on 14th of July 2020, the court on the same day delivered the following. तो यह दोस्तों यहाँ पर 14 जुलाई 2020 को जो है वो इस right petition के ऊपर जो judgment केरला High Court द्वारा दिया गया है तो वो इस प्रकार है, जिसमें कहा गया है petitioner are employee of the fourth respondent, that is
The Hindustan Machine Tool Limited working in various cadre and they are covered under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. They are member of the Employee Pension Scheme 1995 remit under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. Their contribution along with employees' contribution to the Provident Fund is made on the basis of actual salary without limiting the contribution on the basis of fixed salary of rupees 6,500 per month. Petitioners are praying for following relief in this petition: to call for the record relating to AXT P1 and to issue a right of mandance or any other appropriate right order or direction directing respondent 2 to 5 to collect pension contribution toward the employee's pension scheme of the petitioner on the basis of actual salary drawn by them in terms of provision to clause 11 of 3 of the Employee Pension Scheme 1995 from the date of joining the pension scheme and to direct the third respondent to furnish joint application exercising the consent. To declare that the petitioners are entitled to get pension contribution toward the Employee Pension Scheme of the petitioner on the basis of actual salary drawn by them in the terms of provision to clause 11 of 3 of the Employee Pension Scheme 1995 from the date of joining the said scheme, to issue a right of mandum or any other appropriate right, order or direction directing the respondent to transfer the interest accrued to the extent in provident fund account to the pension account. तो जो दोस्तों यहाँ पर जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो इनको द्वारा यहाँ पर ये जो रिलीफ है तो वो मिलने के लिए यहाँ पर इस पिटिशन में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट है तो वो कहा गया है, इट इज अर्ग्यूड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बाय द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल डिविजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन शंकर नारायण वीएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर डिसाइडेड ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 2018 P. Sheshu Kumar and other versus Union of India and Tribe Petition number 22087 of 2015 decided on 12th of October 2018 and also the judgment of the non-single judge of this court in Tribe Petition number 10401/2015 decided on 31st of March 2015 and in Tribe Petition Civil number 20557 of 2019 Balchandran KK and other versus the Employee Provident Fund Organization and others decided on 24th of June 2020. It is reported that the judgment of this court in the matter of P. Sheshu Kumar case is already confirmed by the Honorable Supreme Court in the special leave petition filed by the Employee Provident Fund Organization. It is further argued by the Learned Counsel for the petitioner that case of the petitioner is exactly identical with that of the petitioner in right petition number 20557 of 2019 who happened to be employee of the fourth respondent. The petitioner had also approached respondent number 2 and 3 for similar relief but they were told that the said judgment is not applicable to them and they should bring order of this court for getting benefit. With this, the Learned Counsel for the petitioner submitted that as the issue is already covered by several judgments of the court, which are also confirmed by the Honorable Apex Court, the instant petitions need to allow. As again, this is the Learned Standing Counsel for the Employee Provident Fund Organization submitted that the review petition has already been filed before the Honorable Supreme Court. The Government of India has also prepared an SLP and it is directed to be fixed for hearing along with the revision petition. With this, it is argued by the Learned Standing Counsel that the petition deserved to be dismissed. I have carefully considered the submission advanced and also pursued judgment of this court stated above. I am of the considerate opinion that the issue raising in the instant petition is subsequently covered by the above cited judgment. As of now, there are concluded judgment on the issue involved in the instant petition. Therefore, respondents are duty bound to initiate action for redetermination of the pension in the light of direction given in the aforesaid decisions. In this view of the matter, the petition stand allowed in terms of prayer clause 124. Respondents are directed to do the needful within a period of 4 months. However, the consequent action shall be subject to any proceeding pending before the Honorable Supreme Court. The instant petition is accordingly disposed of. तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़ा फैसला केरला हाईकोर्ट द्वारा एक बार फिर से यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिया गया है, तो उसी के बारे में जो है वो भी हमने इस वीडियो में जानकारी दी।
तो जी दोस्तों, जो पेटिशनर के वकील है तो उनके द्वारा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किया गया कि राइट पेटिशन नंबर 20557 ऑफ 2019 के जो पेटिशनर है, तो ये जो केस है तो सिमिलरली उसी तरह का है। तो इस केस के संदर्भ में केरला हाईकोर्ट द्वारा पहले ही फैसला दिया जा चुका है और सेम फैसला जो है वो इनको भी एप्लीकेबल होता है। तो इसके ऊपर केरला हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर जो है वो फैसला एक बार फिर से इन पेटिशनर के हक में दे दिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, केरला हाई कोर्ट द्वारा रिस्पॉन्डेंट को यहाँ पर डायरेक्टेड करते हुए कहा गया कि ये जो बेनिफिट है तो इसके लिए 4 महीने के भीतर जो वो कार्रवाई की जाए। तो जी हाँ दोस्तों, केरला हाई कोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिया गया था, तो उसी फैसले के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।